हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. दिस इज आवर इंग्लिश रीडर वीडियो फॉर क्लास 9. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पोएम फ्रॉम बिहाई पोएट्री सेक्शन, जो कि हमारी बिहाई बुक से हैं. फर्स्ट चैप्टर द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये एक बड़ी फेमस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. बिफोर एक्सप्लेनेशन द पोएम, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. यानी कि इस कविता में जो पोएट है हमारा, उनके सेंट्रल आइडिया, उनका विचार क्या है, वो किस आइडिया को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी कि इस कविता का जो केंद्रित विचार है, जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया जो है, यानी कि इसमें जो केंद्रित बात जो कही गई है वो ये है अबाउट मेकिंग चॉइस, यानी कि अपनी चॉइस बनाने में, कि हमें अपनी चॉइस बनाना, अपनी पसंद बनाने किस तरह से बनानी चाहिए, हमें किस तरह से अपनी लाइफ में रास्ता चूज़ करना चाहिए. ये पोएम इस टॉपिक से रिलेटेड है. वी ऑल हैव टू मेक चॉइस इन लाइफ एट वन टाइम और द अदर. पोएट कहना चाहता है हम सभी को लाइफ में अपनी खुद की चॉइस खुद बनानी चाहिए, ज़िंदगी में एक बार या और कई बार. इट मीन्स हम लोगों को दूसरे को कॉपी करते हुए चॉइस फॉलो नहीं करनी चाहिए, हमें हमारी चॉइस खुद बनानी है. फैशन हम लोग देख करके फॉलो करते हैं, हमारी चॉइस क्या है क्या नहीं है. इसी तरह की लाइफ में हमारा करियर क्या है, लोगों को कॉपी करके हमें करियर वाला रास्ता फॉलो नहीं करना है, हमें हमारी खुद की चॉइस बनानी है. यही आइडिया इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है. द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड दिस आइडिया थ्रू द सिंबल ऑफ रोड्स. और मेकिंग चॉइस वाला जो आइडिया है, यानी कि अपनी लाइफ में अपनी चॉइस खुद बनाने वाला जो आइडिया है, जो विचार है, उसको पोएट ने प्रेजेंट किया है रोड के सिंबल से. यानी कि दो रोड का सिंबल लिए हैं और अपने चॉइस खुद बनाने के आइडिया को प्रेजेंट किया है. द पोएट सेज दैट वंस ही वॉज ट्रेवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. इस पोएम में जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि एक बार वो एक जंगल से गुजर रहा था, यात्रा कर रहा था, एंड रीच्ड अ पॉइंट, और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया वेयर द रोड वॉज डिवाइडेड इंटू टू, जहाँ पर रोड जो है दो रास्ते में डिवाइड हो रहा था. यानी कि ऐसे जगह पर खड़ा हो गया जहाँ से दो रोड जा रही थी. जर्नली इन लाइफ यू विश टू अवॉइड मेकिंग चॉइस. और आमतौर पर हम लाइफ में अपनी चॉइस बनाना अवॉइड ही करते हैं, हम ज़्यादातर चॉइस कॉपी ही करते हैं, कॉपी किए हुए रास्ते को ही फॉलो करते हैं, अपनी क्या चॉइस है उसको हम अवॉइड करते हैं. द पोएट ऑल्सो फेल्ट अनएबल टू चूज एनी वन रोड इमिडिएटली. पोएट को भी ऐसा ही फील होता है कि इन दोनों रास्तों में से तुरंत वो कौन सा रास्ता चूज करे. बोथ लुक्ड द सेम विथ लीव्स विच वर इंडिकेट दैट नॉट येट वर्कड अपॉन. बोथ लुक द सेम, वो दोनों के दोनों रास्ते सेम दिखते हैं विथ लीव्स, क्योंकि दोनों रास्तों पर ही पत्तियाँ बिखरी हुई हैं. लीव्स यहाँ पर पत्तियों के लिए हैं, तो जंगल में दोनों रास्तों पर पत्तियाँ बिखरी हुई हैं. विच वर नॉट येट वर्कड अपॉन, और उन पत्तियों से वो रास्ता ढका हुआ है और ऐसा लगता है कि उन पत्तियों से अभी कोई नहीं गुजरा है. यानी कि उस रास्ते में से इसको ये फाइंड आउट करने में मुश्किल हो रही है कि वो कौन सा रास्ते पर जाएं, क्योंकि दोनों ही रास्ते पर पैरों के निशान नहीं हैं. बोथ रोड्स वर कवर्ड विथ लीव्स, क्योंकि दोनों ही रोड्स किससे कवर है, लीव्स से. फाइनली ही चूज़ द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. फाइनली वो एक ऐसा रोड चूज़ करता है, वो एक ऐसा रास्ता चूज़ करता है जिस पर कम चूज़ द वन एक रास्ता चूज़ करता है लेस ट्रेवल्ड बाय, जो कि कम ट्रेवल्ड हुई है, यानी कि जिस पर से कम लोग गुजरे हैं. द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इंडिकेट द पोएट वॉज हैप्पी अबाउट हिज चॉइस. और लास्ट लाइन ये इंडिकेट करती है कि जो पोएट है, जो कवि है, वो अपनी चॉइस से बहुत खुश हैं. एज ही वुड बी टेलिंग इट विद अ साई, क्योंकि लास्ट लाइन में वो अपनी बात एक साई, यानी कि एक सांस वाला जो आवाज साउंड होता है, साई से निकालता है. कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि, कंटेंटमेंट मतलब इनकी संतुष्टि की आह भर के वो अपनी बात को कहता है. दैट
हिज चॉइस हैज़ मेड ऑल डिफरेंस, कि उसने जो रास्ता चूज़ किया है और यानी उसकी जो चॉइस है उसने उसकी लाइफ में सभी डिफरेंसेस ला दिए हैं, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है। इन ऑल द पॉइंट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू द रीडर दैट वी ऑल हैव टू मेक चॉइसेस इन आर लाइफ। इन ऑल यानी कि संपूर्ण रूप से, या पॉइंट जो है वो ये कहना चाहता है अपने रीडर को कि हमें हमारी लाइफ में अपनी खुद की चॉइस बनानी चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा। टू रॉड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो जंगल जिसमें पतझड़ में पीली पीली पत्तियाँ चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। हमारी बुक में भी लिखा है कि पतझड़ ऋतु का जंगल, तो येलो वुड है कि लीव्स ऑफ ट्रीज हैविंग बिकेम येलो, कि जब पेड़ों की पत्तियाँ येलो हो जाती हैं तो वो जो जंगल है वो येलो हो चुका है। टू रोड डाइवर्स यानी कि दो रोड जो है कि पतझड़ की ऋतु में पीली पत्तियों वाले जंगल हैं, पीली पत्तियों वाले जंगल में एक जगह पर दो रोड टू रोड डाइवर्स, दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में डाइवर्स हो रही हैं, अलग अलग दिशाओं में बट रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों पर ही यात्रा नहीं कर सका एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला था, यानी कि उस समय वो अकेला था और उसके सामने दो रोड अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एंड ही कुड नॉट डिसाइड टू चूज वन रोड, लॉन्ग आई स्टूड, लेकिन वो लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है लंबे समय तक वो खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और एक रास्ते की तरफ, एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते की तरफ वो देखता रहा जितनी दूर तक वो देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, और वो जो रास्ता है वो मुड़ रहा था इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब है झाड़ियों के झुंड में, यानी कि वो दो रोड डाइवर्स हो रही थी, एक जंगल में से वो गुजर रहा है, ऋतु जो है वो है पतझड़ की, और इस सीज़न में सारी पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, और वो रास्ता चूज़ कर नहीं पा रहा है बिकॉज वो वन ट्रैवलर है, अकेला है। वो लंबे टाइम तक खड़ा होता है और सोचता है, एक रोड को वो देखता है, वो रोड कहाँ पर बेंट हो रही है, झाड़ियों की तरफ मुड़ रही है, यानी कि उस रोड को जहाँ दूर तक देखा उसने, एक रोड कर सोचता विचारता रहा और रोड को दूर तक देखता रहा, और उसने देखा एंड में ये जो रोड है वो झाड़ियों में बेंट हो रहा है, झाड़ियों में मुड़ रहा है। नाउ कम टू सेकेंड स्टैंजा। देन लुक द अदर, फिर उसने देन टुक द अदर, फिर मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। टुक द अदर यानी कि दूसरा रास्ता लिया। जस्ट एज फेयर, यह भी उतना ही अच्छा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम, और शायद ज़्यादा ठीक हो। बेटर क्लाइम का मतलब है सीम्ड बेटर, कि यह ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि यह घासदार था। ये कैसा था बेटा? घासदार। एंड वॉन्टेड वियर, घासदार था। वॉन्टेड वियर का मतलब होता है कि हैड नॉट बीन यूज्ड, और इसका यूज़ नहीं किया गया था, यानी कि ये लेस ट्रेवल्ड था, इस पर कम लोग चले थे। थो एज फार दैट द पासिंग देयर, थो का मतलब होता है दो, यानी कि यद्यपि, जहाँ तक वहाँ से गुजरने वाले लोगों की बात थी। एज फार दैट द पासिंग देयर, एज फार दैट द पासिंग देयर का मतलब है जहाँ तक वहाँ से गुजरने वाले लोगों की बात थी, भाई वहाँ से कौन कौन गुजरा है। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, दोनों ही रास्तों को उन्होंने चलकर लगभग समान रूप से घिस दिया था। कहने का मतलब यह है कि उसने एक दूसरा रास्ता चूज़ किया, वो थोड़ा ठीक था और ज़्यादा बेटर लग रहा था, क्योंकि वो ग्रेसी था और उस पर वो कम लोग वहाँ से गुजरे थे, और जहाँ तक दोनों रास्तों पर गुजरने वाले लोगों की बात थी उनके लिए दोनों ही रास्ते सेम थे। एंड बॉथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और पतझड़ की सुबह इन लीव्स, दोनों ही रास्तों पर पीली पत्तियाँ पड़ी हुई थी। बोथ यहाँ पर बोथ आया, दोनों रोड पर पतझड़ की सुबह पर पत्तियाँ जो क्या है बिखरी पड़ी थी, ले यानी बिखरी हुई थी, इक्वली यानी कि दोनों ही रास्ते पीली पत्तियों से ढके हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन पत्तियों पर
चल करके किसी भी कदमों ने उनको काल्या नहीं किया था, मतलब उन पत्तियों पर किसी भी चलने वालों का निशान नहीं था कि दोनों रोड पर कोई चला है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है, पॉइंट ये कहना चाहता है कि मोस्टली दो रास्ते हम लोग देखते हैं, तो एक रास्ते पर जहाँ पर हमारे फुटप्रिंट ज़्यादा होते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से लोग गुजरे हैं, तो यानी ये रास्ता साफ है तो हम लोग उसी रास्ते पर चल लेते हैं। बट यहाँ पर पॉइंट के सामने दोनों रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते पीली पत्तियों से ढके हैं और उस पर कोई भी फुटप्रिंट नहीं है, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और ना ही दोनों ही रास्तों पर किसी ने भी चल करके अपने कदमों से उसको ब्लैक नहीं किया है। ओह, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनोदर डे, यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया अनोदर डे, यानी कि मैंने जो पहला रास्ता चूज़ किया ये जानते हुए कि ये कहाँ तक जाएगा, और मुझे डाउट था कि आई शुड एवर कम बैक, कि मैं उस रास्ते से वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, यानी कि इसने जो टफ वाला रास्ता था वो चूज़ किया। तो यहाँ पर पोएम कह रहा है कि उस दिन, यानी कि उस सुबह पतझड़ वाला जब मौसम था तो उस दिन दोनों ही जो रोड हैं वो पत्तियों से ढके हुए थे, यानी कि दोनों में ही अंतर करना डिफरेंस हो रहा था कि कौन सा रास्ता सेफ़ है या कौन सा रोड ज़्यादा ट्रेवल हो चुका है। तो उसके मन में ना तो कोई डाउट था कि मैं वापस आ पाऊँगा या ना आ पाऊँगा, तो उसने इस तरीके का रास्ता चूज़ किया। देखो यहाँ पर लिखा है, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे कोई संदेह था भी कि मैं वापस आ पाऊँगा या ना आ पाऊँगा, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया। देखो यहाँ पर लिखा है, हालांकि मैं जानता था कि किस प्रकार से एक रास्ता आगे से आगे बढ़ ही जाता है। तो ये लाइन इस बात को क्लियर कर रही है कि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि मैं जानता था कि एक रास्ते पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो कैसे उससे बहुत सारे रास्ते आगे निकल जाते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, हाँ मैं इस बात को कह सकता हूँ विथ अ साई, साई का मतलब है कि संतुष्टि वाला शब्द जिसको हम आह भरते हैं, हाँ तो एक साई यानी आह भर के, संतुष्टि वाली आह भर के इस बात को कह सकता था कि जो रास्ता मैंने चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात, मतलब समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स का मतलब है कि लॉन्ग पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड के बाद में मैं अपनी साई, संतुष्टि प्रकट करने वाले शब्द से मैं ये कह सकता था कि जो रास्ता मैंने चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रोड डाइवर्ज हो रही थी, दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे एक पतझड़ वाले जंगल में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जिस पर से लोग कम गुजरे हैं, यानी कि इसने अपना वेंचर दिखाया है, अपना साहस दिखाया है, इसने रटे रटाए रास्ते को चूज़ नहीं किया है, और इसने अपनी चॉइस बनाई और अपनी चॉइस से लेस ट्रेवल, यानी कि जो जिस रास्ते को लोग कम चूज़ करते हैं उस रास्ते पर ये चला, और इस रास्ते के लिए ये हैप्पी है, जो कि अपनी बात साई यानी कि संतुष्टि वाली आह भर के वो बता रहा है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस रास्ते ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। तो इस तरीके से पॉइंट ये कहना चाहता है कि हमें ज़िंदगी में दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ते पे तो मोर ट्रेवल होता है, एक रास्ता लेस ट्रेवल्ड होता है। तो जो इसने वो रास्ता चुना जिस पर इसको साहस दिखाना था, जिस पर लोग कम चलते हैं, ठीक है, तो हमें भी लाइफ में चॉइस बनानी चाहिए और उस पर चलना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड फर्स्ट पोएम ऑफ फ्रॉम आर इंग्लिश बुक।